नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। पड़ोसी देश नेपाल और बिहार में लगातार हुई भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से बिहार में अब तक 56 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ से 38 में से 13 जिलों की लगभग 70 लाख आबादी प्रभावित हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को बाढ़ ग्रस्त दरभंगा प्रमंडल के विभिन्न इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पूर्णिया जिले में हालात बेहद भयानक है। यहां पर कई गांवों से बाढ़ का पानी तो निकल चुका है, लेकिन लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वहीं अभी भी कई इलाके जलमग्न हैं। बाढ़ के कारण 13 जिलों के 98 प्रखंड और 1070 पंचायत प्रभावित हुए हैं और लगभग 70 लाख आबादी प्रभावित हुई है। राज्य सरकार के द्वारा बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित निकाले जाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अब तक 2,48,140 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और 343 राहत शिविरों में 93,149 लोग शरण लिए हुए हैं।